जनपद रामपुर के पटवाई में प्रेम प्रसंग में रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। खबर रामपुर के कलरक गांव की है, जहां गांव के ही एक युवक का युवती के साथ प्रेम चल रहा था। 10 तारीख को युवती के पिता ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं जब आरोपी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ के बाद हत्या के राज का पर्दाफाश हुआ और आरोपी की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने युवती का शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर में भेज दिया। एक लड़की बरामद हुई है जिसके रेप के बाद उसकी हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये 10 तारीख को परिजनों के द्वारा ये थाने पर सूचित किया गया था अपनी जो बेटी है उसकी गुमशुदगी के बारे में, और ये बताया गया था कि इसमें एक आरोपी जो उनके जहरीर में नामजद था, उसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें जो जांच की गई है, जो आरोपी है उसके विषय में जब इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये जानकारी मिली कि उस आरोपी के द्वारा उस लड़की की हत्या की गई है और आरोपी की निशानदेही पे ही जो बॉडी है उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा ये तथ्य सामने आए हैं कि जो आरोपी है उसके उसकी पत्नी के द्वारा 3 तारीख को जनपद मुरादाबाद में मुकदमा कायम करवाया गया था अपने पति के विरुद्ध, जो कि आरोपी है, और इसके पश्चात इस आरोपी के द्वारा इस महिला की 9 तारीख को हत्या की गई। और अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है, जो आरोपी के द्वारा इकबाल किया गया है कि उसके पहले से जो जिस महिला की बॉडी बरामद हुई है उससे पहले से बातचीत चल रही थी और 9 तारीख को उसको बुलवा करके उसने उसकी हत्या की है। फिलहाल इसमें जो सभी तथ्य हैं उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। कुछ नंबर हमारे पास में आए हैं, उन नंबरों की भी तफ्तीश की जा रही है और एक आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अभी जांच का विषय है जिसमें कि आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो आरोपी से हमने पूछताछ की है और आरोपी की निशानदेही पे ही बॉडी को बरामद किया गया है और जो जो तथ्य संज्ञान में आए हैं उससे आपको अवगत करा दिया गया है कि इसमें जो आरोपी है उसकी जो मृतका है उससे काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, जो कि हमारे पास जो सर्विलांस का डेटा उससे भी एविडेंट है। बाकी इसमें जो तथ्य